बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम डिज़ाइन प्रोसीजर की वही एग्जांपल वन देखेंगे और एग्जांपल वन को हम सॉल्व करेंगे इस बार यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। अब प्रोसीजर वही है, आप स्टेट डायग्राम बनाएंगे, स्टेट डायग्राम से आप उसका नेक्स्ट स्टेट टेबल निकालेंगे, अगर स्टेट रिडक्शन पॉसिबल है तो आप स्टेट रिडक्शन करेंगे। इस प्रोसीजर के अंदर हम इस एग्जांपल के अंदर स्टेट रिडक्शन को नहीं देखेंगे क्योंकि स्टेट्स ऑलरेडी रिड्यूस्ड हैं, और फ्लिप फ्लॉप ट्रांजेक्शन टेबल बनाएंगे, सिंप्लीफिकेशन बनाएंगे, इनपुट आउटपुट इक्वेशन बनाएंगे। अब सबसे पहले देख लें, वही हमारी स्टेट डायग्राम है, वही 2-bit काउंटर है 0, 1, 2, 3 और फिर वापस रिसाइकिल करेगा 0, 0 के ऊपर। ये हमारा लीस्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है, ये उसकी वैल्यू है, लीस्ट वाला फ्लिप फ्लॉप 0, 0, 0 पर है। ये मोस्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है, दो फ्लिप फ्लॉप्स हम यूज़ करेंगे। इस केस में हम टी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें टी का ट्रांजेक्शन टेबल देखना ज़रूरी है। टी जब 0 से 0 ट्रांजेक्शन करे आप 0 देंगे, सिमिलर पे इसी तरह 1 से 1 ट्रांजेक्शन करें तो आप 0 देंगे, जब 0 से 1 ट्रांजेक्शन कराना चाहते हैं तो आप 1 दें, जब 1 से 0 कराना चाहते हैं तो आप 1 दें। अब वही जब हम 2-bit काउंटर डिज़ाइन करना चाह रहे तो हमें 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, तो ये हमारा 1 फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये हमारा दूसरा फ्लिप फ्लॉप हो गया, इसको हम T0 कह देते हैं, इसको हम T0 कह देते हैं, ये हमारा T1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, पहले हम T1 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इनिशियल ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है। अब देखें, प्रेजेंट स्टेट अगर 0, 0 है तो नेक्स्ट स्टेट हमारे काउंटर की क्या बननी चाहिए, 0, 1। तो Q1 क्या है, 0 पे है, 0 पे ही रहेगा, 0 पे हो 0 पे ही रहना चाहिए, तो हम इनपुट के ऊपर क्या देंगे, 0 देंगे, यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। नेक्स्ट देख लें, 0 पे है, नेक्स्ट स्टेट क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, 0 है नेक्स्ट स्टेट, 1 के लिए हमें टी के इनपुट को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पर हमने 1 रख दिया। करंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट भी 1 पर रहनी चाहिए, तो हम T0 को क्या रखेंगे, T0 को 0 रखेंगे, नेक्स्ट स्टेट 0 रहेगी। करंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 होनी चाहिए, करंट स्टेट 1 है, एक्साइटेशन टेबल देख लें टी फ्लिप फ्लॉप का, करंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 है, तो इनपुट के ऊपर हम क्या देंगे, 1 देंगे, यहाँ पर देखें हमने 1 लिख दिया। अब हम T0 फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स को फिल करेंगे। अब देख लें, T0 फ्लिप फ्लॉप है, Q0 की अगर स्टेट 0 है तो हम उसको 1 करना चाहते हैं, तो इनपुट के ऊपर हम क्या देंगे, 1 देंगे, तो स्टेट स्विच कर जाएगी, यहाँ पर देखें 0 से 1 करना चाहते हैं तो इनपुट के ऊपर 1 देंगे, तो स्टेट 0 से 1 की तरफ चली जाएगी। एक्साइटेशन टेबल देखेंगे, करंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 1, तो हम इनपुट के ऊपर क्या देंगे, 1 देंगे, एक्साइटेशन टेबल है, करंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 करना चाहते हैं, करंट स्टेट 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 करना चाहते हैं अपने टी फ्लिप फ्लॉप नंबर 0 की, तो हम इनपुट के ऊपर क्या देंगे, 1 देंगे। ये हमारा टेबल बन गया, और अब हम इस टेबल से एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने लिए एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है कि हम इसको मिनिमाइज करेंगे। ये T1 है, इसको अगर प्लॉट करना है T1 को, तो ये देखें 0, 0 इनपुट है, T1 की वैल्यू क्या है, 0, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखें, 0, 1 के लिए 1 है, 1, 0 के लिए 0 है, 1, 1 के लिए क्या है, 1 है। T0 को प्लॉट करना है तो T0 को देखें, तमाम के तमाम 1 है, तो हमने यहाँ पर तमाम के तमाम 1 प्लॉट करनी है। अगर हम एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन है, अगर हम T1 को कनेक्ट करना चाहते हैं तो T1 को Q0 से कनेक्ट कर देंगे, T0 को कनेक्ट करना चाहते हैं तो T0 को 1 से कनेक्ट कर देंगे। तो अगर इसकी डायग्राम बनाना चाहें तो हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये मेरा T0 हो गया है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा T0 हो गया, ये मेरा T1 हो गया। T0 को मैंने परमानेंटली 1 से कनेक्ट कर देना है, साथ कॉमन क्लॉक आ जाएगी। सिंक्रोनस का मतलब यह है कि क्लॉक कॉमन होगी तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को, तो तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप सिस्टम क्लॉक के ऊपर रन होंगे। T0 को 1 कर दिया, T1 को हमने क्या करना है, डायरेक्टली Q0 से कनेक्ट करना है, तो ये हमारी Q0 है, इसको हमने T1 से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा 2-bit काउंटर बन गया यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप।